नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, इसके पहले आपने वेदामृताम के दो मंत्रों का अनुवाद पढ़ा। अब तीसरा जो मंत्र है संज्ञानाम, जिसमें कि समान मंत्र समिति समानी समानम मनस चित्तम एसाम समानम मंत्र भी मंत्रेय व समानेन व हविषा जुहोमि। प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद में से लिया गया है, जिसमें ऋषि कह रहे हैं कि वह शब्द का अर्थ है कि तुम सभी को, तो अनुवाद की शुरुआत में लिखेंगे कि तुम सभी के समान मंत्र शब्द का अर्थ है, मंत्र शब्द का अर्थ विचार, तो तुम सभी के विचार एक समान हो। समानी समिति, समिति शब्द का अर्थ है सभा, तो तुम्हारी सभा एक समान हो। समानम मनः, तुम्हारा मन एक समान हो। सह चित्तम एसाम, और तुम्हारा अंतःकरण भी एक समान हो। समान मंत्र भी मंत्रे मंत्रे, एक समान विचारों को स्वीकार करता हूँ। समानेन व हविषा जुहोमि, एक समान हवन के द्वारा, एक समान हवन के द्वारा जुहोमि शब्द का अर्थ की मैं यज्ञ करता हूँ। पूरे मंत्र का अनुवाद फिर से सुन लो। तुम सभी के विचार एक समान हो, एक समान तुम्हारी सभा हो, एक समान तुम्हारा मन हो, एक समान तुम्हारा अंतःकरण हो, और एक समान विचारों को मैं स्वीकार करता हूँ। समान हवन के द्वारा मैं यज्ञ करता हूँ। इसके बाद चौथा मंत्र है संकल्प। संकल्प शब्द का अर्थ होता है कि किसी कार्य को करने का मन में दृढ़ निश्चय किया गया। इस मंत्र में बताया गया है कि सहृदयम सामनस्य अभिद्वेषम कृणोमि वह अन्य अन्य भी अहर्तय वत्स चाताम इव आघन्यः। यहाँ पर भी वह जो शब्द है, वह शब्द उसका अर्थ है कि तुम्हारे, तो वह सहृदयम शब्द का अर्थ होगा कि तुम्हारे, सहृदयम शब्द का अर्थ की हृदय, तुम्हारे सबके हृदय एक समान हो। सामनस्य, समान मन वाले, और अभिद्वेष करोमि, द्वेष बिना का करता हूँ, द्वेष रहित करता हूँ। पहली लाइन का अर्थ है कि तुम्हारे सबके हृदय एक समान हो, समान मन वाले, और द्वेष रहित करता हूँ। दूसरी पंक्ति में है आघन्यः। आघन्य शब्द का अर्थ होता है कि गाय, तो आघन्य इव जातम इव वत्स शब्द का अर्थ है कि गाय जिस प्रकार जन्मे हुए बछड़े से स्नेह करती है। अन्य अन्य भी अर्यतः, अर्थात कि तुम भी एक दूसरे के साथ उसी तरह स्नेह करो। इसके बाद पांचवा मंत्र जो है उसका शीर्षक है उद्घोष। उद्घोष शब्द का अर्थ होता है कि मन में रहे हुए भाव को वाणी के द्वारा प्रकट करना। अयम मे हस्त भगवानयः, अयम मे भगवतर, अयम मे विश्व भेजयो, अयम शिव अभिमर्शनः। यह मंत्र अथर्ववेद में से लिया गया है। इसका अर्थ है कि अयम मे हस्त भगवान शब्द का अर्थ है कि यह मेरा हाथ ऐश्वर्यशाली है। अयम मे भगवतर, यह मेरा हाथ अतिशय भाग्यशाली है। अयम मे विश्व भेजो शब्द का अर्थ है कि यह मेरा हाथ समस्त रोगों को समाप्त करने वाला औषधि है। अयम शिव अभिमर्शनम,
यह मेरा हाथ कल्याणकारी स्पर्श वाला है। इस प्रकार आपका वेदामृतम पाठ पूरा होता है। इसका अनुवाद जो है आप लोग एक बार पढ़ेंगे और फिर उसे लिखेंगे। धन्यवाद।